सब गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस वक्त हैं हम सरजू नदी के किनारे, जो कि काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है हमको, और हमारे घर से ये 13 किलोमीटर के दूर तक। हमने सोचा चला जाए, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके थे सरजू जी की तरह और पहुँच भी चुके थे। गाइस आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा और सुहाना लग रहा है। पीछे सूर्य भगवान देखिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और हम उन्हीं की वादियों में घुल मिल रहे हैं। यहाँ काफ़ी पीसफुल वाइब भी आ रही है, और चलिए एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ कैसा क्या होता है यहाँ का। ये देखिए पीछे हमारी ये घाघरा नदी बह रही है, जो कि सरयू नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं अच्छे से। चलिए हम मिलते हैं आपसे। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, और इधर भी नदी है। बीच में देखिए थोड़ा सा बचा है, जहाँ पर वो जो कढ़ाई उड़ाई चढ़ती है यहाँ पर अक्सर लोग चढ़ाते हैं। और ये गाइस ये पुल का निर्माण 10 साल पहले हो चुका था। ये जो दो शहरों को जोड़ता है आपस में, जिसे एक सरजू जी वाला है और एक इधर का जो है उधर का, दोनों जोड़ता है आपस में। ये पुल बनने से काफ़ी अच्छा हो गया, वरना यहाँ तो नाएँ होती थी एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए। उसके बाद गाइस ये देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये नज़ारा आप देखिए गाइस काफ़ी अच्छी। यहाँ पर गाइस बस वाइब आ रही है घंटियों की, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। उधर देखिए शंकर जी बने हैं, उधर भी आपको लेकर चलेंगे। इधर देखिए हनुमान जी बन रहे हैं, बड़ी सी मूर्ति बन रही है। और ये रहा हमारा प्यारा सा मंदिर, उसके अंदर भी आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, क्योंकि हम भी बड़े दिन बाद आ रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिएगा, हम भी चलेंगे। हम लास्ट में हिंदम आ चुके हैं, हमारे पीछे देखिए आप नदी है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए पीछे नदी है हमारी, और यही अंत छोर है गाइस। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो सतर्क होकर नहाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, अक्सर लोगों की जान चली जाती है नहाते वक्त, क्योंकि वो जोश में होश को बैठते हैं और वो काफ़ी ऐसा काम कर देते हैं जो कि करना नहीं चाहिए गाइस। और आपको दिखाते हैं आगे से, आज यह है सरयू नदी, जो कि भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली नदी है, जो उत्तराखंड से के बागेश्वर जिले से उत्पन्न होती है, फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो कि काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हर राज्य से गुजरती है गाइस, काफ़ी लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, जो कि उत्तराखंड से इसका ओरिजिनेट हुआ है, और ये यहाँ भी आया है। काफ़ी पीसफुल वॉइस देती है। उधर आप देख सकते हैं घंटियों के शोर, जो कि हमें बार बार बुला रही है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं यहाँ पर। उसके बाद वहाँ चलेंगे डायरेक्ट, आपको मंदिर में लेकर चलेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ। मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं, ये देखिए हनुमान जी का मूर्ति जो है बन रहा है अभी, काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये। जब बन जाएगा तो हम यहाँ पे भी आएंगे गाइस। ये देखिए गाइस, अच्छा गाइस देखिए पूजा हो रहा है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। ये महाकाल मंदिर है, गाइस यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा जाता था, हम जब छोटे थे तो यहाँ पर आया करते थे, काफ़ी मज़ा आता था। अभी तो गाइस मेला नहीं लगा है, पहले मेला लगता था, जो कि काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी मज़ा आता था गाइस यहाँ पे, एक अलग ही वाइब देती थी। हम हैं मंदिर के अंदर गाइस, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है हमारे साथ, आप बने रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। और देखिए गाइस सन क्या ही, ये सन तो गाइस आज दिल्ली जीत लिया हमारा। और इसे देखिए माता रानी का मंदिर दुर्गा जी का, यहाँ देखिए आप दर्शन कर लीजिए गाइस, हम भी यहाँ पर कुछ दर्शन कर लेते हैं। माता रानी का दुर्गा का मंदिर है ये, इधर देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। यहाँ पर हम भैया के साथ आए थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और चलिए हम थोड़ा सा कुछ सामान था उसको निकाल के पंडित जी को समर्पित करते हैं। और देखिए इधर काफ़ी अच्छा बन गया है, पहले ऐसा नहीं था, अभी बना है नया, अब तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बैठने वाला भी हो गया।
चलिए वक्त को जाया ना करके हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं जो कि काफ़ी लाजवाब है गाइस, उसको आप देखकर कहेंगे वाओ। तो आपको जगह दिखाते हैं, क्या है वो देखिए। शंकर जी की मूर्ति बनी है इतनी अच्छी, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में गाइस, क्योंकि काफ़ी बड़ी मूर्ति भी जल्दी बनाइए। आइए थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी है और यहाँ पर शंकर जी का आवास होता है गाइज। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर रहने में, काफ़ी पीसफुल वाइब दे रही है हमको। तो ये आपको अच्छे से आगे से एक्सप्लोर करके और दिखाते हैं, बने रही हमारे साथ। अलग अलग चीज़ आपको हम ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देंगे। गाइस सुकून का नाम है ये, हाथ में चाय और इतना अच्छा दृश्य, किसे नहीं मज़ा आएगा गाइस, किसे नहीं मज़ा आएगा। निकालते हैं उसके बाद सीधा पंडित जी को देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे डायरेक्ट वहीं पे। चलिए चलते हैं हम सीधा लेकर, देखिए हम सीधा लेकर निकल चुके हैं पंडित जी को देने, क्योंकि गाइस ये ऐसा रीति रिवाज माना जाता है कि गाइस देवे। तो चलिए ऐसा हम चलते हैं सीधा पंडित जी के पास, थोड़ा सा आशीर्वाद भी लेंगे, थोड़ा उनका पैर वर्ष भी छुएंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे घर, क्योंकि अब धूप हो रहा है गाइस। देखिए बहुत कड़ाके की यहाँ पर गाइस, धूप में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि अच्छी पीसफुल वाइब आ रही है ना। ये देखिए चिड़िया कैसे उड़ रही है, मज़े सिमेट्री बना के। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। सीधा दे दिया बाबा को, एकदम पूरा मज़ा आ गया गाइस आशीर्वाद लेकर। उसके बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ा और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं यहाँ क्या, यहाँ कैसा कैसा मंदिर है। वक्त हम जल भरने जा रहे हैं इस नदी का, क्योंकि माना जाता है कि अगर ये नदी हम ये जल हम अपने घर लेकर जाएंगे और छिड़केंगे थोड़ा घर पवित्र जाता है। देखिए हम बोतल में लेकर निकल चुके हैं इस वक्त, और चलिए थोड़ा सा पानी भर के निकलते हैं इसको सीधा घर। चलिए गाइस थोड़ा सा पानी भरते हैं इसको, निकलते हैं। यहाँ देखिए आगे पूजा भी हो रहा है। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, चलिए तो निकलते हैं सीधा घर की तरफ अब, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है गाइस, और यहाँ पर तो धूप लग ही नहीं रहा है क्योंकि। सो गाइस निकलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि हमने पूरा दर्शन कर लिया, आपको भी दर्शन करा दिया, अच्छे अच्छे से पूरा व्यू आपको दिखा दिया, और इससे के साथ हमने पूरा दर्शन कर लिया। और इस वक्त हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि अब समय हो चुका है घर जाने का, क्योंकि घर से कुछ और काम है। चलिए सीधा निकलते हैं घर की तरफ, बन रही है हमारे साथ, मज़ा आएगा आपको काफ़ी। ऐसे अच्छे अच्छे प्लेस को आप दिखाएंगे हम, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको ऐसे ऐसे अच्छे प्लेस दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके।